हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं प्लेन का पार्ट टू, जो कि 3D का पार्ट है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी दो प्लेन दे रखे हैं, उन दो प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है एंड उसकी अलग अलग कुछ फॉर्म होती है, वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। प्लस अगर हमारे पास कोई भी जो स्ट्रेट लाइन दे रखी है और प्लेन दे रखा है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे हम निकालते हैं, उन दोनों के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है उससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, यह सब मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो सुन देखिए, तो सुन बात करेंगे जनरल फॉर्म में। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए दो प्लेन दे रखे हैं, ये एक प्लेन है हमारे पास, है ना, ये एक प्लेन है और दूसरा प्लेन मान लीजिए ये हमारे पास दे रखा है, क्लियर है। ऑब्वियसली जिस पॉइंट पर ये कट करेगा वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, राइट। तो वही कंसेप्ट होता है यहां पर स्ट्रेट लाइन का। तो अगर हमारे पास ये दो प्लेन दे रखे हैं तो इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो बनने वाली स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप बोलोगे गुरुजी ये क्या है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो प्लेन एक साथ लिखे हुए तो अंडरस्टूड है कि वो किसी न किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। अब इसकी सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, अब देखो समझना मेरी बात, है ना। अगर हमारे पास यहां पे द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन, तो हमारे पास ये होता है। इसमें उस वाले केस में हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। अगर आपके पास यहां पर डायरेक्शन कोसाइन की जगह डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस वाले इक्वेशन में हमारे पास यहां ए आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी आ जाएगा एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन सी आ जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है एल अपॉन अंडरूट ऑफ एल वन एल स्क्वायर एम स्क्वायर, तो अंडरूट कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो ए बी सी यही हमारे पास आ जाएगा। तो अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखा है तो ये फार्मूला, कोसाइन दे रखा है तो ये फार्मूला, राइट। अब बात करते हैं हमारे पास यहां पे कि जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन दिस लाइन। तो अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन, जैसे ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी हमारे पास एक पॉइंट है वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसको बराबर आर कर दीजिए एंड देन इसको सॉल्व करिए, राइट। तो ये एल आर प्लस एक्स वन हो जाएगा, एम आर प्लस वाई वन हो जाएगा और एन आर प्लस जेड वन हो जाएगा, राइट। ये कोई भी एक इन जनरल पॉइंट होगा जो कि उस स्ट्रेट लाइन पे क्या करेगा, लाई करेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसमें एग्जाम्पल देखिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन टू थ्री एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, राइट। तो सुन देखिए यहां पे जिससे पास कर रहा है उसको इससे माइनस करते जाइए, है ना, वाई माइनस टू एंड जेड माइनस थ्री। अब ये क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ऑब्वियसली हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इसका यहां पे वन आएगा, बाकी दोनों डायरेक्शन जो कोसाइन होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे, राइट। ये ध्यान देना, अगर हमारे पास वाई एक्सिस बोला होता तो जीरो वन जीरो, अगर जेड एक्सिस बोला होता तो जीरो जीरो वन हो जाता, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, द टू पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, राइट। अब हमारे पास अगर टू पॉइंट दे रखा तो उस वाले केस में हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, वही होती है एक्स माइनस एक्स वन, है ना, वाई माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड वन। तो मैंने आपको भी बताया था कि नीचे हमारे पास डायरेक्शन रेशियो भी हो सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट दे रखी, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है एक्स वन वाई वन जेड वन और दूसरा पॉइंट दे रखा है हमारे पास एक्स टू वाई टू जेड टू, तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन ले लो, है ना, वाई टू माइनस वाई वन ले लो एंड जेड टू माइनस जेड, इसमें ये हमारे पास क्या आते हैं, ए बी सी आते हैं, उठा के यहाँ रख दो, है ना, क्योंकि हम एलिमेंट रखते हैं या फिर ए बी सी रखते हैं, राइट। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा, ये वाई टू माइनस वाई वन हो जाएगा, ये z2 minus z1। तो ये टू पॉइंट फॉर्म होती है हमारे पास किसी भी स्ट्रेट लाइन की, राइट। इस तरह से हम इसको करते हैं। बात करेंगे, सुनिए यहां पे हमारे पास एग्जांपल है, द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट इज, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले 1 2 3 है तो x minus 1 कर दीजिए, है ना, y minus 2 कर दीजिए एंड z minus 3 कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, वही x2 minus x1, तो नीचे हो जाएगा 3 minus 1 और यहां पे करेंगे 2 minus 2 minus 2 हो जाएगा एंड सुन यहां पे क्या आ जाएगा, वो दे रखा है वन, तो सुन वन माइनस थ्री हो जाएगा, राइट। वैसे आप देखो तो एक्स वाई जेड की जगह दूसरा पॉइंट रख दो, सीधी बात है ना, तो सुन ये आएगा एक्स माइनस वन अपॉन टू, वाई माइनस टू अपॉन जीरो एंड जेड माइनस थ्री अपॉन माइनस टू। तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुन इसमें बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो यार मैंने अभी बताया था कि कोई भी अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी तो उससे पास होने वाले किसी भी पॉइंट को हम जनरल करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसको मैंने आर करा तो हम जानते हैं कि एल आर प्लस एक्स वन, एम आर प्लस वाई वन, एन आर प्लस जेड वन, ये हमारे पास पॉइंट होगा जो कि स्ट्रेट लाइन पे
एक इंजनल पॉइंट होगा, और चूंकि ये जो लाइन है ये इस प्लेन से पास हो रही, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट इसको क्या करेगा, जनरल पॉइंट क्या करेगा, कोई ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे पास करेगा, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, राइट। इस सम सेटिस्फाई करेंगे तो यार यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टूडेंट आर की वैल्यू आ जाएगी, और ये आर की वैल्यू उठा के आप क्या करिए, यहां 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 रखिए, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, राइट। मतलब प्लेन और स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम इस तरह से निकालते हैं, राइट। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आप समझ में आएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या देखा, द लाइन ज्वाइनिंग 1, 2, 3 एंड 2, 1, -3 कट्स द प्लेन एट वॉट पॉइंट, राइट। तो सुन, सबसे पहले दो पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल, सुन दो पॉइंट से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, सुन x-1 एंड ये आएगा y-2 और ये आएगा हमारे पास z-3, और हम क्या करेंगे यहाँ पे x2-x1, y2-y1, z2-z1 ये उठा के नीचे रखेंगे, या फिर आप क्या करो x की जगह और y की जगह और z की जगह दूसरा पॉइंट रख दो, है ना। तो ये आएगा 2-1, ये आएगा 1-2 और ये आएगा -3-3, राइट, है ना। और बराबर हम क्या कर दे, इसको r रख देंगे, क्लियर है। एक बार थोड़ा सॉल्व कर लेते, तो x-1/1 हो जाएगा, y-2/-1 हो जाएगा, एंड z-3/-6 हो जाएगा इज इक्वल टू आर। तो आप देख रहे हो सुन x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, r+1, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा सुन 2-r, एंड z कोऑर्डिनेट क्या होगा सुन 3-6r, राइट। अब चूंकि ये जो पॉइंट है xyz, ये हमारे पास एक इन जनरल पॉइंट है, तो ऑब्वियसली अगर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है प्लेन, तो ऑब्वियसली प्लेन ये जो तीनों पॉइंट है प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो इसको हम सेटिस्फाई करा देते हैं, तो यार 2x की जगह हम r+1 रख देंगे, राइट, प्लस यहाँ पे रखेंगे 2-r, है ना, प्लस ये रखेंगे 3-6r प्लस का 8, इस यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 2r+2 + 2-r + 3-6r + 8 = 0। तो सबसे पहले r r देख लेते हैं, तो 2r और ये आर 7r, तो आई थिंक ये हो जाएगा माइनस का 5r, और ये आर हमारे पास 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15 उधर गया, तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो यार आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 3, और ये 3 पॉइंट उठा के यहाँ रख दीजिए, तो एक्स की पॉइंट हमारे पास 4 आ जाएगा, वाई हमारे पास यहाँ 3, 2-3 तो -1 हो जाएगा, और जेड हमारे पास यहाँ आएगा 6, 3, 18 में से 3 गया, तो माइनस का 15, राइट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आएगा 4, -1, -15। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। इस तरह से हम इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट देखिए। अब बात करेंगे सुन, अगर हमारे पास कोई भी लाइन दे रखा और प्लेन दे रखा, तो उन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। सुनिए, एंगल का जो फार्मूला होता है सुन बड़े कंफ्यूज होते हैं। अगर हमारे पास दो प्लेन दे रखे हैं, तो उस वाले केस में एंगल का जो फार्मूला होता है वो कॉस थीटा इज इक्वल टू a1a2 + b1b2 + c1c2 √a1² b1² c1² √a2² b2² c2², या फिर अगर हम एलिमेंट दे रखा है तो उस वाले केस में होता है, पर वहां कॉस थीटा आता है, राइट। पर जब हम बात करेंगे प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन में, तो यहां पर साइन थीटा आता है ना, और मैं बताना चाह रहा हूं कि वहां पर कंडीशन पैरेलल की और परपेंडिकुलर की अलग होती थी, है ना। परपेंडिकुलर है तो a1a2 b1b2 c1c2 = 0 होता है, एंड पैरेलल होता है तो a1a2 b1b2 c1c2 का रेशियो इक्वल होता है, राइट। यहां पे थोड़ा अलग है, क्लियर। तो बात करेंगे सुन, अगर हमारे पास ये दे रखा है, ये हमारे पास लाइन दे रखी है और ये प्लेन दे रखा है, तो सुन हमारे पास जो फार्मूला होगा sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सुन al + bm + cn √a² b² c² √l² m² n² होता, राइट। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अगर हम बात करें यहां पे कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो उस वाले केस में पैरेलल होगा तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर थीटा जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, ये पूरा जीरो में चला जाएगा। तो उस वाले केस में हमारे पास जो कंडीशन होगी होगी al + bm + cn = 0। ये हमारे पास कंडीशन होती है। अगर हमारे पास दोनों का एंगल 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो यहाँ पे साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे a/l b/m and c/n बराबर होता है, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत, थोड़ा चेंज हो जाता है यहाँ पे, वहां क्योंकि वहां पे कॉस था यहाँ पे साइन था, तो पूरा फार्मूला रिवर्स हो जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। ये ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं सुन। तो सुन हमारे पास ये देखा है द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज, राइट। तो सुन एंगल बिटवीन दिस एंड दिस क्या होगा हमारे पास, ये होगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, सुनिए हमारे पास एबीसी और वो हमारे पास एलिमेंट दे रखा है, उसको मल्टीप्लाई करिए, राइट। तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस ये आएगा 2 को 2 से करेंगे, राइट, तो ये आएगा 4, क्लियर है। फिर हम 2 को 2 से करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, राइट, है ना। एंड अंडरूट ऑफ इसके कॉफिशन का स्क्वायर कितना आएगा, 1 + 4 + 4, एंड उसका कॉफिशन का स्क्वायर क्या आएगा, 1 + 4 + 4 हो जाएगा। तो इसमें हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 9/ √9 ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। थीटा इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/2 आएगा, राइट, है ना। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल हो रहा है वो हमारे पास क्या रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम इसके एलिमेंट का रेशियो इसके एबीसी के रेशियो के इक्वल होता है, दोनों देखो ये भी 1 1 आ रहा है, ये 2 2 आ रहा है,
ये 3-3 याद है मैंने आपको बताया था, a by l is equal to b by m is equal to c by n, तो एंगल हमारे पास क्या होता, 90 डिग्री होता, और वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। सुन आगे बढ़ते हैं। सुन नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट ये है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन। तो यार इस लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? तो जब भी ऐसा कंसेप्ट आता है तो कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच में लैम्ब्डा लगा के जोड़ दो। अब आपको लैम्ब्डा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रिक दे रखी होगी कि ये जो प्लेन है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, या ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है, या ये प्लेन है ये इसके पैरेलल है, कुछ ना कुछ दिया होगा। उससे आप लैम्ब्डा की वैल्यू निकालो, लैम्ब्डा की वैल्यू पुट करो, आपका काम खत्म, राइट। सुन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस। तो सुन ये हमारे पास प्लेन दे रखा है, तो दोनों के क्या करेंगे, लैम्ब्डा लगा देंगे बीच में। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिखता हूँ, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, सुनिए आएगा, सुन फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, 2x plus y minus z minus 3 आ जाएगा, राइट। और फिर लैम्ब्डा लगा दो और दूसरी इक्वेशन लिखो, राइट। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, 5x minus 3y plus 4z plus 9 is equal to 0। इसमें थोड़ा सा इसको इज्जत से लिख देते हैं, फिर बाद में लिखे, इसमें x का कोफिशियंट लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 plus 5 लैम्ब्डा into x, इसमें ये आएगा 1 minus 3 लैम्ब्डा into y, इसमें ये आएगा हमारे पास 4 लैम्ब्डा minus 1 into z, एंड ये आएगा हमारे पास 9 लैम्ब्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको ये दे रखा कि ये जो प्लेन है ये इसके पैरेलल है। आपसे बोला जा रहा है कि इस लाइन के हमारे पास क्या है, पैरेलल। देखो आपसे बोला जा रहा है कि दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो सुन जब भी हमारे पास पैरेलल का कांसेप्ट होता है, मैंने अभी बताया था आपको कि अगर हमारे पास साइन थीटा का फार्मूला बताया था मैंने आपको कि एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड लाइन, तो हमारे पास था फार्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। और साइन थीटा अगर हमारे पास यहाँ पे जीरो है तो उस वाले केस में साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जो कंडीशन आती थी वो क्या आती थी, याद है, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, जीरो था, राइट। तो वही कंडीशन लगेगी। तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है ए बी सी, और ये हमारे पास दे रखा है सुन एल एम एंड, कंडीशन लगा दीजिए। तो सुन कंडीशन लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो आप देख रहे हो सुन ए की वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 प्लस 5 लैम्ब्डा, और एल हमारे पास दे रखा है 2, इसी टाइप से ये दे रखा है 1 माइनस 3 लैम्ब्डा, एंड एम की वैल्यू हमारे पास दे रखी 4, इसी टाइप से ये दे रखा है 4 लैम्ब्डा माइनस 1, एंड यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू दे रखी 5 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, 4 प्लस 10 लैम्ब्डा एंड 4 माइनस 12 लैम्ब्डा, एंड इसमें यह आएगा 20 लैम्ब्डा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले लैम्ब्डा लैम्ब्डा सॉल्व कर दीजिए, तो ये आएगा 30 लैम्ब्डा, 30 में से 12 गया तो 18 लैम्ब्डा आएगा, एंड ये आएगा 4 और 4 8, 8 में से 5 गया तो 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो सुन जब लैम्ब्डा की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1/6 आ जाएगा। सुन ये लैम्ब्डा की वैल्यू माइनस 1/6 उठा के आप यहाँ रख दीजिए तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। तो वही हम करने वाले हैं, देखो आप आगे बढ़ेंगे। तो सुन यहाँ पे मैंने ये कर रखा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्ब्डा की वैल्यू माइनस 1/6 आ रही है, ये माइनस 1/6 जब उस इक्वेशन में रखेंगे, है ना, मतलब इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, सुन इस वाली इक्वेशन में रखेंगे यहाँ पे, है ना, लैम्ब्डा की वैल्यू माइनस 1/6 यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, एंड यहाँ रखेंगे, तो हमारे पास प्लेन की जो इक्वेशन आएगी वो 7x plus 9y minus 10z is equal to 27 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और ये हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, तो आपको इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कि कहाँ पे, किस पॉइंट पर ये इसको क्या करेगी, मीट करेगी। जब भी ऐसा होता तो हम इसको क्या करेंगे, सुन आर मान लेंगे, राइट। तो हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सुन आप देखेंगे तो ये आर प्लस 3 आएगा, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये आएगा 2r प्लस 4, और यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये आएगा 3r प्लस 5। अब ये एक्स वाई जेड इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना, क्योंकि इससे पास हो रही तो इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। तो यहां से हमारे पास ये पॉइंट है, इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो यहां से हमारे पास आर की वैल्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू 2 आ रही है, सुनिए आर की वैल्यू 2 उठा के रख दीजिए, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पॉइंट आएगा। इस तरह से बहुत इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड दिस। तो सुन मैंने बताया था जब भी हमारे पास एंगल का फार्मूला होता है तो यार भाई साहब ये एल एम एन दे रखा है, ये हमारे पास ए बी एंड सी दे रखा है, तो हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सुन ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अंडर रूट ऑफ, ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड ये आता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आता है। तो भाई साहब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 4 माइनस का 15 प्लस का 24 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये आएगा हमारे पास 4 प्लस 25 प्लस 16, एंड ये आएगा हमारे पास 4 प्लस 9 प्लस 36, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो यार साइन थीटा इज इक्वल टू 24 और 4, ये मॉडुलस आता है यहाँ पे, है ना, तो 24 और 4 हमारे पास क्या आएगा 28, 28 में से 15 गया, राइट। तो 28 में से 15 गया तो 13 बचा हमारे पास, क्लियर है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व, तो 16 और 4 20, और ये आएगा हमारे पास रूट 45, और ये आएगा हमारे पास आई थिंक 49 हो रहा है, तो ये 7 हो जाएगा। तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका
एंगल आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सुन, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट एस, और इसका आंसर सॉल्व करके मुझे बताना, और कितना टाइम लगा ये भी मुझे बताना है। सुन, लास्ट में मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहां पर मैंने 2D कॉनिक सेक्शन एंड जो पोलर फॉर्म ऑफ द कॉनिक है वो मैंने बता रखा है, और सुन प्लेन का फर्स्ट वीडियो है वो आप भी आप जाके देख सकते हैं। सुन, मेरा जो नया वाला चैनल है जिसमें मैंने जनरल एप्टीट्यूड एंड जो मैथमेटिक्स की ट्रिक्स है जो कि CSIR NET गेट एंड IIT-JAM एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। सुन, मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।